चलिए दोस्तों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, 120। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन बनाते हैं और आपको रीजन बताते हैं पोजीशन का, ठीक है? देखिए एकदम देखिए, मैं आपको रीजन बताता हूँ पोजीशन बनाने का, ठीक है? देखिए मार्केट में एक तो सब एसएल ऊपर पड़े हैं, देखिए ये एसएल पड़े हैं, ये एसएल पड़े हैं और ये एसएल पड़े हैं, ठीक है? और मार्केट जैसे ही खुली हल्का सा गैप अप ओपनिंग दिया, नीचे आई, और जैसे ही इसके नीचे आएगी इस लेवल के, तो यहाँ पे सब लोग सेलर एक्टिवेट होंगे, क्योंकि ये ना 79,000 का लेवल है। जैसे ये टूटा तो सेलर आएंगे यहाँ पे, जब मार्केट क्लोज होती है तो सेलर भी आते हैं, बायर भी आते हैं, और यहाँ पे जैसे ही सेलर आएंगे, सेलर का ऐसा हिट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर जाने से मार्केट को फायदा ये है कि एक तो ये लोग है ना, ये इनको वार्निंग देने या इनका ऐसा हिट करने मार्केट ऊपर जाएगी, और जो ये सेलर है इनको भी ट्रैप करने के लिए ऊपर जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजिशन बनाया है बैंक एक्स में, ये सब इंडेक्स लगभग मिलते जुलते ही चलते हैं, और देखते हैं हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है लॉस, तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। जैसे एकदम ऐसी गिरनी नहीं चाहिए मार्केट। सेंसेक्स, सेंसेक्स। गिरने को अब मार्केट गिर सकती है, लेकिन मेरे अनुसार गिरनी नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पोजीशन बनती तो बैंक निफ्टी यहीं तक जाती। ये ओके, सेंसेक्स, बैंक एक्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बैंक एक्स में टारगेट हिट हो गया है, जो हमने रखा था टारगेट, और अब हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है? 100 पॉइंट का रखा था, वैसे मैं 120 रखने वाला था, लेकिन मैंने नहीं रखा, क्योंकि ये ना यहाँ से देखो मार्केट वापस आ सकती है। यहाँ से देखो आप बैंक निफ्टी, देखो ये देखो, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है? ये देखो ये लेवल है ना, ये यहाँ से ये इसे सस्टेन सस्टेन करती, ज़्यादा में ज़्यादा यहाँ चली जाएगी, ये मेरे अनुसार फिर ये वापस ही आ सकती है, क्योंकि ये लोग है ना, ये इनको ट्रैप करने के लिए आ सकती है नीचे। तो हमें छोटा सा टारगेट था, छोटा सा एसएल था इसमें बैंक एक्स में, और वो हमारा हिट हो गया। तो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकते हैं जब ऐसे हमारा टारगेट हिट होता है, और ख़ासकर जब ये लंबी लंबी कैंडल बनती हैं। ये लंबी लंबी कैंडल बनती है ना, एकदम टारगेट देती हैं और एकदम ये ट्रैप भी करती हैं, तो आपको इनसे बच के रहना चाहिए। तो चलिए आज की ट्रेड को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम बाद की ट्रेड में।